दोस्तों मैं बैठा हुआ हूँ सिट्रोएन C3 के अंदर। ये है फील वेरिएंट जिसमें आप अभी देख रहे हैं इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसका MID और इसका स्क्रीन कंट्रोल्स। सारे कंट्रोल्स के बारे में जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका MID दिखाता हूँ। यहाँ पर आप काफी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इवन मैं अगर इसे बंद करूँ तो आप अब देख सकते हैं काफी सारी चीजें यहाँ पर जो आपको दिखाई देती हैं। अलग अलग चीजें, इंडिकेटर के लिए बटने हैं, इस कॉर्नर पे आपको इग्निशन दिख जाएगा, फिर आपको सीट बेल्ट लगा है नहीं लगा है वो दिख जाता है, यहाँ पर आपको स्टीयरिंग लॉक है वो दिख जाएगा, इस तरफ आप देख सकते हैं कि आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ है, फिर आप देख सकते हैं भाई ओडोमीटर। ओडोमीटर के नीचे आपको दोस्तों यहाँ पर दिखता है भाई फ्यूल गेज कि कितना पेट्रोल है, कितना जो भी फ्यूल आपने डाला हुआ है। यहाँ पर आपको दिखता है टेम्परेचर कूल और हाई, और यहाँ पर एक छोटी सी बटन आपको दी जाती है। इस बटन को आप प्रेस करके काफी सारी इन्फॉर्मेशन बदल सकते हैं। जैसे कि इसको क्लिक करूंगा मैं तो देखिए ट्रिप ए चालू हो जाता है, फिर ट्रिप बी चालू हो जाता है। यहाँ पर आप AFE देख सकते हैं कितना एवरेज हमें मिल रहा है। इसके अलावा मैं अगर एक बार और दबाता हूँ तो यहाँ पर मिल जाता है DT यानी कि डिस्टेंस टू MT, और वापस हम ओडोमीटर पे आ जाते हैं। इसके अलावा ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। एक बार वापस चालू करता हूँ इसे और आपको दिखाता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रही है। तो बहुत सारी चीजें, कि दरवाजा खुला है वो भी दिख जाएगा और टेम्परेचर वगैरह सारी चीजें यहाँ पर नजर आती हैं। पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील दिखेगा जिसपे काफी सारी बटन है। पहले तो ये हॉर्न है, इसके बाजू में यहाँ पर आपको SRC यानी कि सोर्स की बटन मिलेगी जो कि मीडिया चेंज करेगी। आप USB पे चल रहे हैं या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट है या फिर रेडियो चला रहे हैं वो एक चेंज कर सकता है। इसके बाजू में वॉइस असिस्टेंट की बटन आपको मिल जाएगी। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कॉल पिकअप और कॉल काटने की जो बटन आपको मिल जाती है, और यहाँ पर साउंड की बटन आपको मिल जाती है। तो आप काफी ज्यादा सा मीडिया जो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको गाने चेंज वगैरह करना है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। अब हम आते हैं टच स्क्रीन सिस्टम के ऊपर, फिर हम AC कंट्रोल्स पे चलेंगे। तो टच स्क्रीन सिस्टम में आप देख सकते हैं इस तरफ आपको साउंड दिख जाता है किधर साइड है। इस तरफ यहां पर आप देखेंगे रेडियो का बटन आपको मिल जाता है, रेडियो यहां से आप चेंज कर सकते हैं। बैक आएंगे होम पर तो यहां पर आपको फोन का बटन मिल जाता है। यहां पर देखिए ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर फोन लगा सकते हैं। अभी फिलहाल फोन मैंने कनेक्ट किया नहीं है, एंड्रॉइड ऑटो यहां से कनेक्ट कर पाएंगे। यहां पर एप्पल कारप्ले है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं कनेक्ट। यहां पर आप देख सकते हैं मीडिया का बटन दिया हुआ है। इसके अलावा यहां पर ब्लूटूथ ऑडियो है, अगर आप एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट नहीं करना चाहते तो ब्लूटूथ से भी गाने बजा सकते हैं। डिवाइस लिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी, कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। बैक आते हैं, सेटिंग्स यहां पर मिल जाएगी। सेटिंग्स में आपको जनरल सेटिंग्स मिलती है सबसे पहले, जिसमें लैंग्वेजेस आप चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अरेबिक, ब्राजीलियन, फ्रेंच, इंडोनेशियन, इंग्लिश सब कुछ मिल जाएगा। फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं इसको, अबाउट मिल जाएगा और वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी को। इसके अलावा डिस्प्ले का सेटिंग आपको मिलेगा भाई, यूजर ऑफ मोड, डिस्प्ले डेट एंड टाइम इन यूजर मोड, ये आपको यहाँ पर दी जाएगा। बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं, और ब्राइटनेस क्या रखनी है वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। इस तरीके से ब्राइटनेस की बढ़ाई भी जा सकती है। सच में बहुत ज्यादा हो गई थी, अब हम इतनी करके छोड़ देते हैं। बैक आते हैं, फोन वाला सिस्टम यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट करने वाला जो बाहर भी मिला था। ऑडियो यहाँ से मिल जाएगा, ऑडियो किस तरीके से आपको चाहिए, स्पीकर किस तरफ चाहिए। चार स्पीकर लगे हुए हैं तो भाई हो सकता है आप सिर्फ एक ही सुनना चाहते हो, यहाँ पर सुनना चाहते हो, इस वाले कॉर्नर पे ज्यादा सुनना चाहते हो, इधर ड्राइवर को नहीं चाहिए साउंड लेकिन पीछे वाला सुनना चाहता है, इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं और इसको बीच में भी रखा जा सकता है। इक्वलाइजर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बेस, मिड और ट्रेबल यहाँ पर डायरेक्टली दिया गया है। वॉल्यूम कितना रखना है मीडिया का, फोन का, रिंगटोन का, नोटिफिकेशन का, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करने मिल जाएगा। और HDVC स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं या फिर चालू रहेगा तो फिर वो स्पीड के हिसाब से अपने हिसाब से कम ज्यादा करता रहेगा। व्हीकल के बारे में अलर्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, फिलहाल कोई भी अलर्ट नहीं है। इस तरफ रेडियो का बटन मिल जाता है, यहाँ पर आपको फोन का बटन और एंड्रॉइड के चार बटन आपको अलग से दिए गए हैं शॉर्टकट के रूप में। इसके अलावा इस गाड़ी में जो है अलग से जो ओनर है उन्होंने रियर कैम लगाया हुआ है, तो जैसे ही मैं एंगेज करता हूं अपने रिवर्स गियर को तो आप देख सकते हैं कि ये कैमरा जो है चालू हो जाता है, और काफी बढ़िया क्वालिटी का कैमरा है। ये सिट्रोएन कंपनी की तरफ से ही लगाया गया है, बहुत ज्यादा अच्छा कैमरा है। नाइट विजिबिलिटी पता नहीं, बट अभी यहाँ दिन के समय काफी बढ़िया सा नजर आता है, और आपको पीछे ट्रक का नंबर दिख रहा है 4444। खैर नीचे आते हैं तो AC के वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और उसके नीचे इसके मिल जाएंगे कंट्रोल, जहां पर आप यहाँ से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप स्पीड सेट कर सकते हैं AC की, और यहाँ से आप डायरेक्शन सेट कर सकते हैं भाई किस तरीके का डायरेक्शन चाहिए। ओल्ड स्कूल वाला थोड़ा सा मुझे लग रहा है, पर दोस्तों काफी ज्यादा इजी टू यूज है क्योंकि आपको किसी टच स्क्रीन को यहाँ पर छूना नहीं है। आप सिंपली बटन एक बार आपको याद होगी तो आप फटाफट जो है काम कर सकेंगे, जो मुझे अच्छा लगा है, प्रैक्टिकल लगता है। इसके नीचे आपको यहाँ पर एक हजार स्लैम की बटन मिल जाती है, नीचे की तरफ एक USB केबल यहाँ पर मिल जाएगी, और 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा जिससे आप फोन वगैरह चार्ज फास्ट तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर एक पैनल मिलता है जिससे जिसपे कि आप फोन अपना रख सकते हैं। नीचे भी एक बहुत बड़ी जगह दी गई जहाँ पर काफी सारा सामान आता है, तो सामान रखने के लिए बहुत सारी चीज दी गई जो मुझे अच्छा लगा है। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दो कॉफी मग की जगह। इस तरफ अगर आऊं मैं, यहाँ पर भी आपको दो तीन स्विचेस मिलेंगे, जैसे कि एक हमारे फॉग लैंप का बटन, और ये एक बटन मिलता है यहाँ पर जो कि इस तरफ रहना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर है कि भाई पीछे वाले अपने हिसाब से जो है गाड़ी के शीशे ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं या आप विंडो लॉक की तरह देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही बटने मिलते हैं जो कि एक को ड्राइवर साइड के लिए और एक ड्राइवर साइड के लिए काम आती हैं। इसके अलावा ये एक लीवर आपको मिलेगा जिसपे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं लाइट के, आप देख सकते हैं लाइट के यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इंडिकेटर का कंट्रोल्स मिल जाते हैं इस तरीके से। और आप देख सकते हैं कि मैंने एक बार दबाया और
लेन चेंज इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो तीन बार चलकर ये बंद हो जाते हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ आपको जो है वाइपर के कंट्रोल्स मिलेंगे, जैसे इसे मैं दबाता हूँ वाइपर चालू हो जाते हैं। तो ये सारी बटने दोस्तों आपको सिट्रोएन C3 के अंदर मिलेगी। ऊपर की तरफ हमारा जो RVM लगा हुआ है जिसके ऊपर कोई सॉस का बटन नहीं है, तो ये सिंपल आपको मिलेंगे। और यहाँ पर मैं कोई स्विच नहीं देख पा रहा हूँ जिससे कि इसे बदला जा सके नाइट RVM में। और इस तरफ आपको कोई ड्राइवर और कन ड्राइवर के लिए, ड्राइवर के लिए नहीं है सनशेड पर, लेकिन को ड्राइवर के लिए आपको जो है ग्लास जो मिरर है वो मिल जाता है। प्लस एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि सिट्रोएन ने एक छोटा सा काम किया यहाँ पर, इस तरीके के जो है मिरर एडजस्टमेंट के बटन दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा और इजी किया जा सकता था। हालांकि ठीक है मैकेनिकली आप देते, लेकिन इसको थोड़ा सा और लाइट वेट बना सकते थे, काफी ज्यादा हैवी है जिसकी वजह से मुश्किल होती है थोड़ी, लाइट वेट बनाते तो इजीली मैं उसे सेटअप कर सकता था। तो ये है सारी चीजें, इसके अलावा कुछ जानना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।